हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? अब मैं असीता पार्क से यहाँ पहुँचा हूँ, श्यामगिरी मंदिर शास्त्री नगर में पड़ता है ये। और यमुना नदी घूमते घूमते भगवान कृष्ण ने मुझे यहाँ बुला लिया, कह रहे हैं कि आप मेरे घर भी आओ और आकर के मेरे भी दर्शन करो। तो श्यामगिरी मंदिर आए हैं और भगवान कृष्ण के भी दर्शन करेंगे। श्यामगिरी मंदिर में ना ये दिखाया हुआ है, वाल्मीकि जी पढ़ा रहे हैं लॉ और कुछ को पढ़ा रहे हैं। ये दीवालों पे चित्र बनाए गए हैं यहाँ पे इस तरीके से, काफी अच्छा चित्र है, कृष्ण भगवान का है। और ये कृष्ण भगवान जी पेड़ पे चढ़े हुए हैं, ऊंट और ये बने हुए हैं। और यहाँ भी कुछ दिखाया गया है, काफी अच्छा सीन है। और ये भी सीन है, बड़ा प्यारा सीन है। ये कौन से, मेरे ख्याल से भोलेनाथ जी हैं, ये भोलेनाथ जी का है ये। शायद मेरे ख्याल से जो यहाँ सीन दिखाए गए हैं, शायद ये मंदिर में दिखाया गया हो। तो मंदिर में चलेंगे और मंदिर में चल के देखेंगे कि क्या वाकई में ये सीन यहाँ पे जो दिखाया गया है दीवालों पे, वो यही दृश्य अंदर मंदिर में है कि नहीं। काली नाग पे नृत्य करते हुए, जब समुद्र में गेंद गई थी तो कृष्ण भगवान जी काली नाग के साथ ऊपर आए थे। और ये गाय के साथ कितने सुंदर तस्वीर है। और ये श्री राम जी का भी चित्र यहाँ पे बनाया हुआ है, ये देखिए श्री राम जी का भी चित्र है नाव पे जाते हुए वनवास में। और ये सुभाष चंद्र बोस का भाई भी यहाँ पे तस्वीर बनाई गई है। और ये बजरंगबली का है, लक्ष्मण जी जब मूर्छित पड़े थे और श्री राम जी हनुमान जी वगैरह हनुमान जी जब ये पहाड़ लेके आए थे, ये दिखाया हुआ सीन। और हम मंदिर में चलते हैं, मंदिर में देखते हैं कि क्या क्या दिखाया गया है और भगवान कृष्ण के भी दर्शन कर लिए जाएँ। तो यमुना नदी के साइड से किनारे किनारे हम घूमते घूमते भगवान कृष्ण के भी आज दर्शन हो ही गए। क्या कि भगवान कृष्ण ने सोचा मेरे ख्याल से कि यमुना नदी के तो तुम घूम रहे हो चारों तरफ, अब मेरे घर भी आ जाओ। तो भगवान कृष्ण के भी घर चलते हैं और अब अंदर प्रवेश करते हैं। वही अंदर प्रवेश कर रहे हैं हम, यहाँ देख रहा हूँ कि मंदिर में क्या क्या चीज़ें हैं। अभी तो यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ये कुछ बने हुए हैं यहाँ पे। और ये भी किसी से पता करते हैं, पुजारी से, कि यहाँ मंदिर वंदिर कहाँ पे है भाई। अभी मैंने एक पुजारी जी मिले थे, तो पुजारी जी ने कहा कि आगे चले जाओ गौशाला मिलेगा और फिर उसके आगे ही मंदिर है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं गौशाला कहाँ पर है। और फिर तो भाई यही गौशाला है, लेकिन यहाँ गौशाला है, गायें दिखाई नहीं दे रही है यहाँ पे। अंदर में चलते हैं और देखते हैं कहाँ पे गाय। तो भाई हम पहुँच गए हैं गौशाला के पास। ये गाय माता जी हमारी गैया हैं, ये हैं सारी गायें हैं। और मैं आपने गाय देखी, काफ़ी सारे गायें थी यहाँ पे। और कोई था वहाँ पे जो सेवा कर रहा था वहाँ पे गाय की। ये भाई भोलेनाथ की मूर्ति बनी हुई है। और ये गाय, ये भोलेनाथ का तस्वीर है, काफ़ी सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। और ये सारे मंदिर बने हुए हैं यहाँ पे इस तरीके से। और ये प्रवेश द्वार है। भाई मैंने जूते तो यहीं पे उतार दिए हैं और अब मंदिर में अंदर मैं प्रवेश करूंगा। ये छोटा सा गेट बना हुआ है, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की तस्वीरें यहाँ पे। ये तो अच्छा लगता है जब भगवान के दर्शन होते हैं, कुछ आशीर्वाद मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ये कृष्ण राधा और ये खाटू श्याम बाबा जी की भी यहाँ मूर्ति है। ये बजरंगबली जी हैं और ये श्री राम और लक्ष्मण और सीता जी। इधर भी भोलेनाथ जी की मूर्ति है और ये भोलेनाथ जी के बने हुए। और यहाँ भी एक मूर्ति है, जय माँ लक्ष्मी माँ सरस्वती माँ काली मैया की जय। शायद माँ लक्ष्मी है, गणेश भगवान और माँ लक्ष्मी जी हैं। नीचे भी कुछ दिया हुआ है, बनाया हुआ है, नीचे क्या चीज़ है में जाने का भी कुछ रास्ता दिया हुआ है नीचे की तरफ शायद, लेकिन उसका रास्ता तो मुझे मालूम नहीं। तो हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं 20 मिनट के अंदर। जय बाबा श्यामगिरी सवाई, ये बाबा।
यहाँ पे लिखा भी है। और भी कोई मंदिर है यहाँ पे? बाकी यहाँ पे मेरे ख्याल से माता जी हैं और भी तीनों देवी, शायद कृष्ण भगवान आशीर्वाद वाली और शायद लक्ष्मी हो। ये भोलेनाथ जी का है, जय भोलेनाथ जी की जय हो। ये भी कोई बाबा है, ये बाबा है संत महिमा, ये कोई संत महिमा। पीछे चलते हैं, पीछे की तरफ मैंने देखा तो ऊपर से कुछ था। ये रास्ता भाई जाने का जीने है इस तरीके से और वहाँ पहुँचने मुझे नीचे की तरफ। ये चल, और ये मंदिर है, ये रास्ता कहाँ जाता है भाई? ये मंदिर में जाता है, कोई मंदिर है। इतना बड़ा देख रहे हो, सोने का छत की तरह बनाया हुआ है, तो ये कोई मंदिर है। यहाँ पे छोटा सा, अच्छा कोई बाबा है। तो अब मंदिर से बाहर निकलते हैं हम लोग, तो मंदिर में दर्शन हो गए जितने होने थे दर्शन। तो भाई यहाँ पे जो है ना शादी ब्याह का ही पंडाल वगैरह भी लगता है, मंदिर भी है साथ में, तो दोनों काम यहाँ पे होते हैं। भाई तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे ना हनुमान जी की ना मूर्ति बनाई जा रही है, ये बजरंगबली की मूर्ति बन रही है, अभी आधी अधूरी मूर्ति है, ये तैयार कर रहे हैं लोग बस, और ये काम कर रहे हैं यहाँ पे लोग। तो बाहर में ही गेट से अंदर घुसते ही मूर्ति बन रही है। तो भाई ये था श्यामगिरी मंदिर, और यहाँ पंडाल शादी ब्याह वगैरह भी आसपास में काफ़ी बड़ी जगह है यहाँ पे होता है, तो शास्त्री नगर में ही जगह है भाई। चलते हैं मंदिर से बाहर और कहीं चलते हैं अब। तो अब मैं पहुँचा हूँ सिग्नेचर ब्रिज, सिग्नेचर ब्रिज दिखाता हूँ। जानते हो सिग्नेचर ब्रिज पे क्या है कि अगर हम इस ब्रिज पे खड़े हैं ना तो ये ब्रिज काफ़ी ज़्यादा हिलता है, काफ़ी ज़्यादा हिल रहा है ये ब्रिज, ढक तक 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 कर रहा है। आपको दिखाता हूँ वो ब्रिज सामने दिख रहा है मेरे को, ये है भाई सिग्नेचर ब्रिज। तो भाई चलते हैं सिग्नेचर ब्रिज के नजदीक और वहां देखते हैं उसका नजारा, सिग्नेचर ब्रिज का एक काफी ज्यादा ब्रिज हिल रहा है, चलते हैं इससे पहले गिर ना जाए। तो भाई हम जो है ना सिग्नेचर ब्रिज के मैं बिल्कुल नीचे खड़ा हूँ, आप ये देख सकते हैं काफी काफी लोग यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए। और यहाँ पे एक सिग्नेचर ब्रिज का जो ऊपर जाने का रास्ता है ना, जो सबसे ऊपर जा सकते हैं, उसके लिए ये गेट यहाँ पे था जो बंद कर दिया गया है। ये देखो भाई यहाँ पे ये गेट बना है ना, ये वाला ये गेट है, और ये सिग्नेचर ब्रिज, ये गेट बिल्कुल ही बंद कर दिया गया है जब से ये सिग्नेचर ब्रिज बना है। कुछ लोग पब्लिक वहां भी खड़ी है और कुछ उस साइड भी लड़के खड़े हैं। यहाँ पे आने का मतलब है सेल्फी तो बनती है, यहाँ पे सेल्फी तो लेनी चाहिए यहाँ से। और ये सिग्नेचर ब्रिज, ये यमुना जी है, काफी लड़के यहाँ पे आए वगैरह फोटो वगैरह सेल्फी वगैरह लेते रहते हैं बैठ करके यमुना जी के पास, सब सेल्फी लेने वाले लड़के हैं और वीडियो वगैरह बनाते हैं यहाँ पे बच्चे। तो अब तो मैं यमुना जी के पास जाऊंगा नहीं, अब तो आगे चलते हैं और आगे चल के देखते हैं कि कहाँ जाना है। तो मंजिल दूर नहीं है, मंजिल नज़दीक है, रास्ता ढूंढना है बस।